नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। कांग्रेस इस लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर उतरी। सोशल डिस्टेंसिंग सरकार के तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए रीवा जिले के सभी थानों के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के पीछे की वजह सीधी साधी और साफ थी। पिछले दिनों से कांग्रेसियों का कहना है, रीवा में लगातार देखा जा रहा है सत्ता पक्ष को हर तरीके से लॉकडाउन के दौरान छूट दी जा रही है, चाहे वह धरना प्रदर्शन हो, चाहे वह और भी कोई भी मामले हो। वहीं जब दूसरे लोग यह काम करते हैं तो उन पर आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। पिछले दिनों इसी तरीके से एक मामला तब देखने में आया था जब ईद के सुबह कुछ मस्जिदों में पुलिस ने यह कहकर मुकदमा दर्ज कर दिया था वहां के नमाज पढ़ाने वाले मौलानाओं के ऊपर कि यहां पर ईद की नमाज पढ़ाई गई। हालांकि मुस्लिम धर्म के लोगों का साफ तौर से कहना था, ईद की सुबह मस्जिदों में जाकर वो लोग मीठी चीज ले जाते हैं, वहां जो भी मौलाना होते हैं उनसे वो लोग फातियां कराते हैं और उसी को खाकर अपना सुबह का रोजा तोड़ते हैं। इसीलिए कुछ मस्जिदों में भीड़ देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों लगातार घटनाएं घट रही उसको कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो। इस समय तमाम लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है, लॉकडाउन का लोगों को पालन करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। जब सत्ता पक्ष के लोग ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो विपक्षी क्यों करें? जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वान में पूरे ज़िले में एक विशेष मुद्दे को लेकर, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से दोहरी राजनीति, दोहरा शासन और दोहरा कानून चल रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हर एक ज़िले में, माने रीवा ज़िले के हर एक थानों में अपने सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करते हुए एक प्रतीकात्मक धरना का देने का वो फैसला किया है। दोहरा चरित्र, सब्जी व्यापारियों को, फुटकर व्यापारी, व्यापारी, किसान, आम जन को लॉकडाउन के उल्लंघन में FIR करते हैं, उनके साथ वसूली व मारपीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता निरीक्षण करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता उद्घाटन करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना करें, इनको खुली छूट। इस दोहरा चरित्र को लेकर पूरे ज़िले के अंदर, सभी थानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेता और प्रशासनिक अधिकारियों को चेताने के लिए यह आज 11 से 1 दो घंटे का धरना है। नकली दवाई रेमडेसिविर रीवा के अंदर भी आई है और प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण भी किए, ये मेरा खुला आरोप है। साथ ही पुलिस कप्तान कोरोना में कार्रवाई करते हैं और दारू में छूट देते हैं। जब से ये पुलिस कप्तान रीवा में हैं, दारू पे इन्होंने कार्रवाई नहीं की। देसी शराब हो और इंग्लिश शराब हो, हर मोहल्ले में बिक रही है, दवाई नहीं मिल रही है, दवाई भी ब्लैक में, दारू भी ब्लैक में, नकली दवाई, सब तरफ लूटम लूट, और यह सब पुलिस कप्तान के इशारे पे हो रहा है। यह दोहरा चरित्र, पुलिस कप्तान को बंद करना होगा, यह वसूली बंद करनी होगी। पुलिस कप्तान ने खुद कहा कि हमने 10 लाख रुपए की वसूली की। अरे आपने जिस दिन 10 लाख की वसूली की, यह तो नंबर एक की हो गई। उसके साथ जब 5,000 बताया जाता है, रसीद 2,500 की कटती है और वो 2,500 भी जोड़ा जाए तो 10 लाख की अन्यथा वसूली हुई। आज की तारीख में पत्रकार भाइयों को धन्यवाद, एक ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ था, उसको आपने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों को आँख खोलने के लिए मजबूर कर दिया कि ऑक्सीजन प्लांट तो घर में है, नया ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत अभी नहीं थी। जरूरत है, लेकिन पहले पुराना जो ऑक्सीजन प्लांट छुपा पड़ा हुआ था उसको रिपेयर करते तो आज हमारे बहुत सारे परिवार के जो साथी ऑक्सीजन की कमी के कारण रीवा के अंदर शांत हुए वो न होते। यह मानवीय और विकास पुरुष भाषण बहुत अच्छा देते हैं और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ सत्ता की चमचागिरी कर रहे हैं और दोहरा चरित्र अपना रहे हैं।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।